एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज है, पहली बात तो हैप्पी अहोई अष्टमी, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी और मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कि किसने चला दिया टीवी? गेट बंद कर दो। अरे तो थोड़ी तो कम आएगी। तो गाइस, आज है मेरा फास्ट। वैसे तो मम्मी मना कर रही थी, पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि नोना जब मेरे पेट में थी मैंने तब भी रखा था वो वाला फास्ट। और मम्मी कह रही थी ना तबीयत खराब है इसलिए पीछे से घूर रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज इसका भी फास्ट है, इसने भी रखा है नोना के लिए, मम्मी ने भी रखा है। मम्मी जान जान के पास की तार पकड़ने का जमाना। और गाइस देखो, गुड्डू की पट्टी खुल गई, दिखाइए तार के। देखो तार के खुलने वाले हैं, ये खुलेंगे इसके। जान जान के मासी की पट्टी पकड़ रहा है। तो गाइस, आज है घर में मम्मी का, मेरा और नोना का फास्ट। पर ये वाला व्लॉग मैं नहीं, नहीं नोना का नहीं, हम तीनों का, नोने के लिए है। मैं टंग स्लिप हो गई। और गाइस ये वाला व्लॉग ये है जिसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया मुझे पीसीओडी है, पर पीसीओडी का ना कोई भी एकदम जड़ से इलाज नहीं है, ये भी मैंने बताया था। तो ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया व्लॉग में। तो अभी पहले हम उठ जाए, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ले, फिर मैं आपसे वाली सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सॉरी गाइस, आदत पड़ी हुई है इसलिए बोल दिया। मेरा तो वर्त है, फिर मैं ब्रेकफास्ट करने कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। मतलब गाइस मुझे ना मतलब दिमाग से उतर गया, पता नहीं मम्मी मेरे को कह रही तूने क्या बोला, ब्रेकफास्ट करने जा रही है? तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही, थोड़ा सा घर समेट लेती हूँ। गोलू के लिए है हम सबका बर्थ। गोलू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम तीनों को नहीं रख रही आज। गुड मॉर्निंग जानू, ओ गुच्चा 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 कहता है नथुलाल हलवाई। हलवाई जी मिठाई कैसे है? ओ हलवाई जी मिठाई कैसे दे? नोनू नोनू इतने देखो, नोने गाइस सो के उठी है अभी। सारी मम्मा इसके लिए सच्ची, जितनी भी मम्मी है यहाँ पास रखे, हमारी मामा को बेस्ट विशेस देती। हाँ जी, ये हलवाई समोसे वाली, पेट कम निकालो, समोसे खा खा के आपका हलवाई जी पेट भर आ गया। ये बोलते भी बेटू को के गंदू तू मोती हचियो हचियो। नोना गाइस, नोना का नाम नथुलाल हलवाई है। नोना एक स्माइल कर, दिखाओ ऊपर देखिए। तो गाइस चलो थोड़ा सा घर समेट ले, फिर बैठ के बातें करेंगे अच्छे। तो गाइस फास्ट वाले दिन ही आज गुन्नू के हाथ में आपको पता है चोट लग रही है, तो थोड़ा बहुत काम मैंने कर दिया, बाकी तो काम वाली दीदी आती है उन्होंने कर दिया। जो तो दीदी झाड़ू पोछा बर्तन कर दी, मैंने पूरा घर समेट दिया था। और अब मैं फ्री होके बैठी हूँ और अब मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि ना 2 बजे की कथा है हमारे यहाँ पे और मैं ये व्लॉग होली वाले दिन ही शूट कर रही हूँ। तो गाइस मेरे को ना इतनी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप लोग सब पूछते हो कि दी आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों गए, बस मुझे ना पीसीओडी की दिक्कत है। पीसीओडी में बहुत बार लोगों को ये भी होता है, बच्चे कंसीव नहीं होते, किसको बहुत जल्दी कंसीव हो जाते हैं और किसी को होते नहीं। तो मेरे साथ ये है कि मुझे बेबीज बहुत जल्दी कंसीव हो जाते, जैसे नोना आपको पता है बहुत जल्दी हो गई। और दूसरा ये कि अब मैं बहुत ओपनली समझा नहीं पाऊँगी, पर फिर भी जितना मैं थोड़ा बहुत बता पाऊंगी मैं उतना बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, या तो आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है या बहुत लो होती है। तो मेरा बहुत हैवी ब्लीडिंग वाला सीन है, उसकी वजह से ना मैं बहुत वीक हो जाती हूँ। और पीसीओडी एक ऐसी मतलब ऐसी टाइप की बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जैसे कि शुगर है, थायरॉयड है, तो इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसी पीसीओडी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सिर्फ ये भी नहीं है कि पीसीओडी को ठीक करने के लिए आपको दवाइयों का यूज़ करना पड़ेगा। मेरे को डॉक्टर्स ने ये बोला कि डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा हैवी लोड अपने ऊपर, काम का हैवी लोड या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमते रहना, सोचते रहना, उससे क्या होता है हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो मेरे बहुत से बारी होता है आजकल, मेरे जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ किसी चीज़ को लेकर, या मैं बहुत टेंस होती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हूँ चीज़ों पर, डिप्रेशन ले जाती हूँ उन चीज़ों के लेके, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो मेरे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। और हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से मेरी जो पीसीओडी वाली प्रॉब्लम है जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो जहाँ मेरे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हूँ, गुस्से में होती हूँ या फिर स्ट्रेस लेती हूँ, टेंशन लेती हूँ, तो मुझे ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर मुझे हॉस्पिटल एडमिट होके कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ जो
चढ़ते हैं जिन जिनसे ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं, तो अभी भी मैं वो दवाइयाँ खा रही हूँ। बस आज अहोई की वजह से अब मेरे को ठीक है, तो अहोई की वजह से मैंने डिस्चार्ज लिया, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती तो मैं फास्ट भी नहीं रख पाती, पर अभी ठीक है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगा रखे हैं। और अभी भी मैं शाम को जाऊँगी इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल, तो अभी तो मैं अहोई के लिए रेडी हो जाऊँ। मुझे बहुत वो था अहोई का भी, मैं आपको लहंगा अब अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, मैं इसके बाद अहोई वाला ब्लॉग शूट करूँगी। तो बस ये प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। इसका पीसीओडी का कोई परमानेंट दवाइयों से इलाज नहीं है कि ऑपरेशन करा दे या कुछ करा दे। और नोना के बाद ना मुझे वैसे भी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो डॉक्टर्स तो एक ही, मतलब मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और मैंने वेट इतना गेन कर लिया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में हो गई। जो यहाँ पे लड़कियाँ होंगी वो समझ रही होंगी, और जो मैरिड होंगी जिनके बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। तो वेट इतनी जल्दी गेन कर लिया, 20 ईयर्स मेरी एज है, लगती नहीं हूँ मैं 20 साल की, पर मैं 20 की हूँ, अब जनवरी में 21 की हो जाऊंगी। तो इसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं झेल नहीं पा रही, ना तो मुझसे ये बीमारियों वाली प्रॉब्लम्स झेली जाती, ना मेरे से घर गृहस्थी की लड़ाइयाँ कलेश और सोशल मीडिया की कलेश वगैरह, क्योंकि ना कभी इन चीज़ों में पड़ी नहीं गाइज। अगर आप अब इन चीज़ों को कोई गलत तरीके से लेगा यहाँ पर, और बहुत सारे अच्छे हैं जो अच्छे तरीकों से लेंगे, तो क्या है ना अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ हर चीज़, तो हर चीज़ पता नहीं है, हर चीज़ समझी नहीं हूँ, तो बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ, उन चीज़ों को सोच सोच के डिप्रेस हो जाती हूँ, उसकी वजह से अपनी तबीयत खराब कर लेती हूँ। अब कामाका हॉस्पिटल में 20-25 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं एक बार एडमिट होने पर, प्राइवेट हॉस्पिटलों का आपको पता है काटना काटना ही है। तो अब थायराइड चेक हुआ है, MRI करवाना है कि बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो आगे जाके बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर बोलते हैं पर वो हमारे हाथ में है। डॉक्टर ने भी मुझे बोला तुम्हारे हाथ में अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल रखना, अगर तुम अपना मतलब एनवायरमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए तो हम भी ठीक रहेंगे। तो यही वाली थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ कि जहाँ मेरा एनवायरमेंट ख़राब होता है मैं अपने हॉर्मोन्स डिसबैलेंस कर लेती हूँ, और हॉर्मोन्स बैलेंस करना हमारे खुद के हाथ में होता है। बस यही दिक्कत है, और इसी की वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और कामाका मेरे 15-20 हज़ार पे लग गए आराम से। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, इतने में तो मैं 14 बुक करा थी, बात तो करी है मैंने 14 प्रो मैक्स के लिए, पर यार सब एक महीने की बुकिंग पे दे रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई हो जो मुझे जल्दी दिलवा दे तो प्लीज़ मुझे बताना यार, मैं एक फ़ोन पर जी रही हूँ, दो फ़ोन चाहिए होते हैं मुझे, एक सिम मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन में डाल रखी है। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाती नहीं हूँ, मैं यहाँ के बहुत बड़ी बीमारी बताऊँ, सिंपैथी लूटूँ या फिर बताऊँ कुछ भी नहीं है, ऐसी बाबा जी के लिए एडमिट हो रही हूँ तो नहीं, बस मुझे एक ये PCOD की प्रॉब्लम है, जिसका अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो तो आप भी मुझे बताना, क्योंकि क्या पता ना एक ही जगह चेक कराने से ना असर हो रहा हो, मैं कहीं और चेक कराऊँ मुझे उनकी दवाई लग जाए तो उनसे ठीक हो जाए। बाकी मैं एडमिट हुई तो वहाँ पे बस क्या हुआ था, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए पूरा दिन इंजेक्शन्स लग रहे थे, मतलब जो यहाँ पे लगाते हैं क्या बोलते हैं उसे, ड्राकुला कैनुला, हाँ कैनुला में दवाइयाँ चढ़ रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहे थे, ग्लूकोज के अंदर ही मोनोसेफ वगैरह कुछ इंजेक्शन्स होते हैं वो चढ़ रहे थे, और ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ खा रही थी, यही सब हो रहा था। और अभी डॉक्टर्स बोलते हैं सुबह शाम आके दवाइयाँ चढ़ा दो, मैंने बोला नहीं मैं खा लूँगी, चढ़ा नहीं सकती। और अब मुझे वही के लिए तैयार भी होना है, नींद भी आ रही है, फास्ट वाले दिन अब मुझे भूख नहीं लगती, करवा चौथ पे भी नहीं लगी थी और अब भी नहीं लग रही। और गाइस जैसे कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, मेरे 90K फॉलोवर्स हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू। कोई हो ना हो मेरी लाइफ में आप लोग हमेशा हो यार, पता है ऐसा मन करता है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मिला उठाऊं बुलाऊं और मिलूं सबसे, पर कैसे ना यार, पॉसिबल ही नहीं है ना, कभी मीटअप होगा तो पता नहीं आप सब आएंगे नहीं आएंगे, अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मीटअप करेंगे, मतलब मेरा ऐसा मन करता है सॉरी मेरे इंस्टाग्राम के बंदे हो मैं हूँ, 5-6 दिन लग जाएंगे ना, इतने सारे लोग हो जाएंगे हम, तो एक जगह पे जाएं बहुत सारे लोग हो, वहाँ पार्टियाँ करें, इन्जॉय करें, मुझे भी तो पता लगेगा आप लोग कहाँ से हो, कौन मुझे देखता है। बहुत सारे लोगों से तो मैं मिल चुकी हूँ पर बहुत सालों से मैं नहीं मिली, आप लोग तो मुझे देख के पहचान लेते हो पर मैं तो नहीं पहचान पाती ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार सबसे मिल लूँ, मेरे को जहाँ कोई मेरे सब्सक्राइबर दिखे मैं भी कहूँ आप मेरे सब्सक्राइबर हो ऐसे। पर हाँ जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो ज़रूर मैं ऐसे करूँगी, आप लोगों के लिए अच्छी अरेंजमेंट करूँगी, क्योंकि ये भी नहीं है ना कि और लोगों की तरह मैं मीटअप रख लूँ और फिर वहाँ इतर आऊँ, किसी को ना कुछ खिलाओ, कोई दूर से हमारे मारे आए भूखा भगा दो, क्योंकि हम भी इन सब लाइनों से निकल चुके हैं, तो मैंने देखा है और खुद भी हम इवेंटों में गए हैं तो मुझे पता है। बाकी ठीक है, आप लोगों इतनी मेरे लिए विश करते हो कि 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाती हूँ, बाकी दवाइयाँ चल रही हैं, अब कोर्स चलेंगे, और एक दो जगह डॉक्टर्स को दिखाऊंगी, आप जानते हो अच्छे डॉक्टर्स को तो बताना,
बाकी अब मैं तैयार हो जाऊँ। अभी मैंने ये सूट पहन के रील्स बनाई थी इंस्टाग्राम पे, देखना। और जो अब तैयार होना है वो लहंगा मेरा सिंपल सा बहुत प्यारा लहंगा है, वो मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया है, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो गाइस चलो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। और ये वाली क्लिप में आपको दिख रहा होगा पीछे थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर, क्योंकि ये मैं सिनेमैटिक में यूज़ कर रही हूँ, आईफोन में आता है सिनेमैटिक ऑप्शन, तो उसमें शूट करके देख रही हूँ कैसा आएगा। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मेरी मेहंदी भी देखो हटी नहीं यार, कितनी बढ़िया है ना। तो अब मैं वही के लिए रेडी होंगी, तो वही वाला शूट करूंगी। आज मैं खुद रेडी हो रही हूँ, पार्लर वाला मैंने कोई नहीं बुलाया। तो चलो वाले ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना समझाने के लिए।